गणपतये नमः। श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे। हर कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा दो चीज़ों के बारे में सोचता है, किसी ना किसी परेशानी, तकलीफ, पीड़ा, खतरे या संकट से मुक्ति, या किसी ना किसी इच्छा, मनोकामना, मनोरथ की पूर्ति, या किसी ना किसी काम, कार्य या हेतु में सफलता पाने की इच्छा। यानी कि संक्षेप में, चिंता से मुक्ति और इच्छा की पूर्ति, यह दोनों चीज़ें हर कोई व्यक्ति के मन में हमेशा होती है। इस समस्या के निवारण के लिए आज इस वीडियो में मैंने भगवान श्री गणेश जी के छोटे से सरल शब्दों के रचे हुए महाशक्तिशाली सिर्फ तीन तीन शब्दों के दो मंत्रों के बारे में जानकारी दी है। इन मंत्रों का जाप करने की विधि इतनी सरल और आसान है कि एक बच्चा भी इसे बिना परेशानी के साथ करके अपने मन और दिमाग में से हर प्रकार की नकारात्मकता निकालकर हर दिन खुशियाँ और सफलता पा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इस मंत्र का जाप किसी भी दिन से शुरू किया जा सकता है। इस मंत्र से किसी भी प्रकार के नियम और बंधन जुड़े हुए नहीं है। सिर्फ भगवान गणेश जी पर अतुट भक्ति और श्रद्धा होना अनिवार्य है। साधक इस मंत्र का हर दिन सवेरे स्नान करने के बाद और रात को सोने के पहले 7, 11, 21 या अगर उसकी इच्छा हो तो उससे अधिक बार मानसिक या वाचिक जाप कर सकता है। साधक ने गणेश जी के ब्रह्मांड रूप यानी कि यूनिवर्सल अवतार का स्मरण करना है और इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का और एक लाभ यह है कि इस मंत्र के प्रभाव से दिन अच्छा जाता है, सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का आकर्षण होकर गणेश भक्त का आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ जाता है। अब मैं आपको यह दोनों मंत्र बताने जा रही हूँ। यह दो छोटे से तीन तीन शब्दों के मंत्र हैं, जिन्हें एक साथ बोलना है। मंत्रों को इस प्रकार से बोलना है, ध्यान से सुनिए। ओम चिंतामणये नमः, ओम इच्छामणये नमः, ओम चिंतामणये नमः, ओम इच्छामणये नमः, ओम चिंतामणये नमः, ओम इच्छामणये नमः। अब मैं आपको इस मंत्र का अर्थ बताऊंगी, कृपया ध्यान से सुनिए। भक्तों की चिंता का निवारण करके भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान श्री गणेश जी को मेरा नमन। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु सबका कल्याण करेंगे।